पांच साल बाद के लंबे इंतजार के बाद एलएसी से अच्छी खबर आई है, और इस बार दीपावली पर भारत चीन सीमा पर तनाव नहीं बल्कि नजारा बदला बदला होगा। कूटनीति का देखिए सिद्धांत है कि उम्मीदों से यह भरा रहे लेकिन सतर्कता के साथ, और चीन को भारत से इसी मंत्र से झुकने पर मजबूर कर दिया। आप सोचिए जो चीन 2020 में अपनी सेना को लेकर चुपचाप आया वो पांच साल बाद पीछे कैसे हटा। आज एलएसी पर बहुत बड़ी खबर आई, चीन की सेना एलएसी से पूरी तरीके से पीछे हट चुकी है। देपसांग और देमचौक पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। दीपावली के मौके पर चीन और भारत की सेना एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। उम्मीद है कि भारत और चीन के रिश्तों में यह दिवाली मिठास लेकर आएगी। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर जो समझौता हुआ उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तनाव कम करना है। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की एक पॉजिटिव कोशिश की गई। कजान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इतर बायलैटरल टॉक हुई, और इस दौरान भारत ने आपसी विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया। इसका असर मोदी जिनपिंग की मुलाकात के 24 घंटे बाद अब बॉर्डर पर देखने को मिला है। दोनों देशों की सेनाओं ने फैसला किया कि 4.5 साल पुरानी स्थिति फिर से बहाल हो चुकी है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। आज दीपावली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में जवानों के साथ दीपावली मनाई। दरअसल आज राजनाथ सिंह दीपावली मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाने वाले थे लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें असम के तेजपुर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर किस तरीके की ग्राउंड सिचुएशन रिजॉल्व हुई और दो बड़ी कामयाबी मिली उसको लेकर किस तरीके से कूटनीतिक कदम उठाया गया इसका जिक्र भी राजनाथ सिंह ने तेजपुर में जवानों के बीच किया है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद एलएसी पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं और उसमें कामयाबी हम सबको हासिल हुई है। यह सचमुच छोटा डेवलपमेंट नहीं है एक बल्कि बड़ा डेवलपमेंट है, और आप सबके डिसिप्लिन और करेज की बदौलत हमने यह सफलता प्राप्त की है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अमेरिका ने एलएसी पर भारत और चीन पर तनाव खत्म होने और डिसएंगेजमेंट को लेकर कमी का स्वागत किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हम भारत और चीन के बीच घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि दोनों देशों ने एलएसी पर टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए। हम सीमा पर तनाव में किसी भी कमी का स्वागत करते हैं। जरा आप ये सोचिए कि जब भारत और चीन के रिश्ते 2020 में किस हद तक पहुंचे थे, जब गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी और पूर्वी लद्दाख में उसके बाद से लगातार तनाव बना हुआ था, और अब पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म हो चुका है। 25 अक्टूबर से दोनों ही सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला यानी कि डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, खासतौर से देपसांग और देमचौक। यहां पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। दोनों सेनाओं के क्रॉस वेरिफिकेशन का काम अब पूरा हो चुका है और दोनों ही सेनाओं ने अपने अस्थाई टेंट और शेड्स को हटा दिया है। दोनों की ही गाड़ियां, मिलिट्री उपकरण पीछे हटा दिए गए हैं और दोनों ही तरफ से 12-12 टेंट लगे थे जिन्हें हटा दिया गया है। अब होगा क्या कि देपसांग और देमचौक में बहुत ही जल्द
पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। देपसांग और देमचौक में गश्त के लिए एक नया प्रोटोकॉल होगा और दोनों देशों की एक पेट्रोलिंग टीम में 15 सैनिक होंगे। हर महीने दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर्स की बैठक भी होगी ताकि किसी भी तरीके का कोई मिसकम्युनिकेशन है तो उसको दूर किया जा सके। आपको दो सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हूं और ये दोनों सैटेलाइट इमेजेस ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि किस तरीके से एलएसी पर 9 अक्टूबर तक देमचौक और देपसांग में पहले जो चीन ने अपने स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया था, अस्थायी स्ट्रक्चर को बनाया था, उन्हें 25 अक्टूबर को देमचौक से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद देपसांग में इसी तरीके से देपसांग में भी 11 अक्टूबर को चीन की आर्मी के बनाए गए अस्थायी स्ट्रक्चर और टेंट मौजूद थे और वो भी 25 अक्टूबर को हटाने शुरू हो गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में डिसएंगेजमेंट के दौरान कई जगहों पर पहले की तुलना में स्ट्रक्चर में कमी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होती है। एलएसी पर भारत ने जमीन सुंघा दी तो क्या अब धोखेबाजी को छोड़कर दिल जीतने में चीन जुट गया है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब को समझना होगा। सबसे पहले कजान में, जहां पर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होती है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक बातचीत दोबारा से शुरू हुई। विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर तक की बातचीत फिर से शुरू होगी और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 साल से दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों के शीर्ष नेताओं में, राष्ट्राध्यक्षों में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। भारत को न केवल अपने सैन्य गश्ती दल के लिए रास्ता मिला बल्कि अपने चरवाहों के लिए चराई का अधिकार भी वापस मिला है। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो साल 2020 में भारत चीन के साथ सामान्य संबंधों के लिए रखी गई अहम शर्त को यह पूरा करता है। उम्मीद है कि चीन की गतिविधियों पर भारत लगातार नजर रखेगा और एक बार जब बॉर्डर एरियाज में स्टेबिलिटी आ जाएगी तो दोनों ही पक्ष इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। जब तक भारत सरकार को यह पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि पश्चिमी क्षेत्र में सब कुछ सामान्य है, तब तक ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन पूर्वी लद्दाख में हुए समझौते को एक मॉडल के तौर पर भारत चीन सीमा के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है जहां पर एलएसी को लेकर मतभेद है। जहां तक बफर जोन का सवाल है, यह व्यवस्था 1956 में 12 होती और 1990 के दशक में सुमदोरोंग घाटी में लागू की गई थी। अगर इस तरीके के समाधान से तनाव कम होता है और यह दोनों ही पक्षों को स्वीकार्य है तो इसे एक विकल्प के तौर पर रखा जाना चाहिए।